सिवोन शहर के भवानी नगर इलाके में एक निजी बैंक के द्वारा लोन नहीं चुकाने पर मकान को सील करने की कार्यवाही को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि इस तरह की कार्यवाही शहर में पहली बार देखने को मिली। वहीं इस कार्यवाही के दौरान मकान मालिक प्रकाश पटेल ने बताया कि मेरे घर में ताला लगा हुआ था, बिना किसी सूचना के ताला तोड़कर बैंक कर्मचारी घर में अंदर घुसते चले गए, ये नियम के खिलाफ है। मकान मालिक प्रकाश ने बताया कि मकान को सील करने से पहले मुझे किसी तरह का नोटिस नहीं दिया गया। जानकारी के अनुसार मकान सील करने की कार्यवाही के दौरान बैंक कर्मचारियों से हाथ जोड़कर गुहार लगाते रहे, लेकिन बैंक कर्मचारियों ने पुलिस प्रशासन की मदद से महिलाओं को भी घर से बाहर कर मकान पर ताला डाल दिया। वहीं इस कार्यवाही के बाद पीड़ित प्रकाश ने बताया कि कोरोना लॉकडाउन के कारण मेरा बिजनेस बंद हो गया था, यही कारण है कि मैं शेष लगभग 3 लाख बैंक का कर्ज चुका नहीं पाया और उसके लिए मैं बैंक से लगातार समय मांग रहा था, लेकिन आज अचानक आकर कार्यवाही कर दी गई। पहली से यार 2017 दिसंबर 2017 में मैंने लोन के लिए आवेदन किया था और दिसंबर 2017 में 9,42,000 का लोन हुआ था। तब से निर्धारित किस्त 9,278 रुपये मैं रेगुलर दिसंबर 2021 तक मेरे पास रिकॉर्ड भी है और बैंक के पास भी रिकॉर्ड है, जिसमें मैंने 9,02,78 रुपये की किस्त के हिसाब से पे किया है, तो लगभग और इसमें 2,67,567 रुपये की प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ मुझे मिला है ना, उसमें भी इनको उसमें इन्होंने उस राशि को ऐड कर दिया और 7,50,000 रुपये मैं अपनी किस्तों के माध्यम से जिसका रिकॉर्ड मेरे पास है हाँ जो मैं जमा कर चुका हूँ। अब इनके कितने 3 लाख आउटस्टैंडिंग बता रहे हैं, हाँ सब मिला के 3 लाख आउटस्टैंडिंग बता रहा हूँ। मेरे पास एक ऐप भी है आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से, उसमें भी 3 लाख आउटस्टैंडिंग ही बता रहे हैं। उसके पीछे मेरे ऊपर इतना बड़ा एक्शन लिया कि आज मेरे घर को घर से बाहर कर दिया, मेरे परिवार को घर से बाहर कर दिया और घर में ताला लगा दिया और ज़बरदस्ती, जबकि पुलिस का काम नहीं होता कि ज़बरदस्ती किसी को घर से बाहर निकाला जाए, बैंक का काम था बैंक को करना चाहिए, मगर पुलिस ने भी नहीं सुना। तहसीलदार महोदय खुद स्वयं खड़े होकर देखते रहे ये तमाशा, ना तो न्याय है ना कुछ है, समझ में नहीं आ रहा क्या करा जाए, कहाँ जाऊँ मैं। ये प्रकाश पटेल है जिन्होंने आधार हाउसिंग फाइनेंस से गृह ऋण लिया था, जिसकी काफ़ी टाइम से मतलब 3 साल से किस्तें बकाया थी, तो आज कलेक्टर साहब माननीय कलेक्टर साहब के आदेश के द्वारा तहसीलदार साहब के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई है। अंतिम नोटिस की डेट है 14 मई को नोटिस दिया गया। ये चूंकि पार्टी हाईकोर्ट में भी जा चुकी है जबलपुर DRT में, तो वहाँ से भी ये खारिज हो गया, वहाँ से भी हमारे पक्ष में इसका निर्णय आया है, तो आज कलेक्टर साहब के और हाईकोर्ट के आदेश पे हमने ये कार्रवाई की है। ताला सर जो है प्रक्रिया के तहत तोड़ा गया, माननीय तहसीलदार साहब की उपस्थिति में, पटवारी RI साहब की उपस्थिति में और थाने बल की उसमें हमने ताला तोड़ा गया है, जो और प्रक्रिया उसका वीडियो वगैरह सब बनाया गया है, वीडियो रिकॉर्डिंग सब की गई है। ये 36 महीने से लोन नहीं भरा, ये मेरे हिसाब से 8 लाख कुछ का लोन है, 9.5 लाख का लोन है पेंडिंग है, 36 महीने से 3.5 लाख रुपये बकाया जो किस्तों EMI का अमाउंट है। ये पटेल द्वारा आधार हाउसिंग फाइनेंस बैंक लोन लिया गया था, जिसका लोन न चुकाने की सरफेसी एक्ट में कलेक्टर महोदय से एक आदेश हुआ 1 साल पहले कि इसको बैंक को कब्जा सौंपा जाए, इसकी संपत्ति का जो उसने मॉर्गेज रखी थी, तो उसी के परिपालन में आवेदक को पर्याप्त समय दिया गया, लगभग 1 साल से समय देते आ रहे हैं उसको, लेकिन उसके द्वारा बैंक की किस्त जमा नहीं की गई और ना ही उनसे कोई समझौता किया गया, तो उस कलेक्टर महोदय के आदेश के पालन में उसको बैंक को कब्जा सौंपा दिया।